गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खैरे हेयर अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्याकरण का पहला पार्ट, भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करता है। देखिए, जब आप मुझे अपनी बात कहेंगे तो आप लिखकर प्रकट करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। लेकिन जब मुझे अपनी बात आपसे कहनी है तो मैं बोलकर अपने भावों को प्रकट कर पा रही हूँ। यानी हम दोनों क्या कर रहे हैं, हम भाषा से आदान प्रदान कर रहे हैं अपने विचारों का। इसी को हम कहते हैं भाषा। यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। किन माध्यमों से होता है? या तो लिख कर या बोल कर। कभी कभी हम समझाते हैं, हम इशारों में या सांकेतिक भाषा में भी अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि विचारों को प्रकट करने के लिए हमारे पास तीन साधन हैं। एक है लिखित भाषा, एक है मौखिक भाषा, फिर है सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति या मनुष्य अपने विचारों को लिख कर प्रकट करता है। मौखिक भाषा जिसमें व्यक्ति या मनुष्य अपने भावों को बोल कर प्रकट करता है। और सांकेतिक भाषा जिसमें व्यक्ति केवल इशारों के माध्यम से अपनी बात, अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने समझाता है। समझे? इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिपि। किसे कहते हैं लिपि? यानी कि जब भाषा को लिखा जाता है ना, तो लिखने के लिए हम उसके लिए एक अलग अलग प्रकार के चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हिंदी में हम अलग प्रकार से ल लिखते हैं, राइट। वही अगर हमें इंग्लिश में ल लिखना होगा तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसी को हम कहते हैं लिपि। यानी लिपि क्या चीज़ है? मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि को या लिखने के जो चिन्ह हैं, हम उन्हीं उसी को कहते हैं लिपि है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या कहलाती है? देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कहलाती है रोमन लिपि, है ना। और पंजाबी भाषा की लिपि कहलाती है गुरुमुखी। तो ये सब लिपियों के नाम हैं। लिपि मतलब मुख से निकली ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों या जिन रूपों का प्रयोग किया जाता है उसी को कहा जाता है लिपि, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं साहित्य क्या कहलाता है। साहित्य यानी लिटरेचर, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। एक ऐसा कोश, एक ऐसा आप कह सकते हैं साधन जिसके अंदर हमने ज्ञान खूब सारा भर दिया, उसी को हमने कहा है कि ये कहलाता है साहित्य। जिसमें हिंदी भाषा का साहित्य क्या कहलाएगा? हिंदी भाषा के साहित्य में बहुत सारी हिंदी के ज्ञान से जुड़ी कहानियाँ होंगी, कविताएँ होंगी। हिंदी में जितने भी विद्वानों, शिक्षाविदों या लेखकों ने जितना काम किया, उस पूरे के पूरे संचित कोश को हम कहते हैं कि ये है साहित्य, हिंदी भाषा का साहित्य है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण यानी कि वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण का मतलब है जिससे आप ये समझ पा रहे हैं कि भाषा सही है कि नहीं है। भाषा, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसमें मैंने कितनी त्रुटियाँ की है, कितनी मिस्टेक्स की है, वो कौन बता रहा है मुझे? वो मुझे व्याकरण बता रहा है। व्याकरण हमें ये सिखा रहा है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा रूप अशुद्ध है। इसी को हम कहते हैं व्याकरण।